आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे जो MI पोस्ट 2013 है उनका सिलेक्शन UPSC में नहीं हो रहा है, ऐसा UPSC की एनुअल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2018 के इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में जो है कि कोई भी कैंडिडेट ना इंटरव्यू दिए हैं और ना उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनालिटी टेस्ट से पहले हो जाता है या फिर मेंस एग्जाम के पहले हो जाता है, तो इसलिए फाइनल रिकमेंडेशन नहीं मिल पाया है ना पर्सनालिटी टेस्ट में कॉलम में और ना जो कि रिकमेंडेशन कॉलम में। जबकि इसके पहले 2017 में देखेंगे एक कैंडिडेट दे पाए थे, क्योंकि इनका हो सकता है एज बचा हुआ था जो है कि इसलिए वो दे लिए, और जो कि प्री 2013 से पहले के थे, क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट अगर एडमिशन 2013 में लिया होगा 2013 में, तो उनकी जो है कि एज 2017 तक बची हुई होगी, ऐसा है। तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसा कि आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बता देते हैं जिससे आप पूरी बात समझ पाएंगे। पहली चीज़, इंजीनियरिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पर लिखता है वेरिफिकेशन एट बिफोर रिटन एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट में पहुँचने से पहले ही आपका स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन हो जाता है। सेकेंड चीज़ आती है जो है कि जो एज लिमिट होती है, अगर आपकी एज आउट होगी तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट पे नहीं बैठना जाएगा। जबकि रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से किसी और डिपार्टमेंट इंजीनियर्स हैं तो उनके लिए 35 ईयर्स है, जैसा कि अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो रेलवे के लिए प्रेफरेबल होता है। समझ रहे हैं? आगे चलिए बताते हैं कि दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है कि जो पब्लिक नोटिस है AICTE का, इसको भली भांति सब समझते होंगे जो पोस्ट 2013 के कैंडिडेट हैं, कि जिनका इनरोलमेंट 31 मई 2000 जो है कि 13 से पहले का है, जो है कि 2013 से उन्हीं के लिए जो है कि एलिजिबल होते हैं। ओके, पूरी बात समझ गए। तीनों के कारण 2018 में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जबकि 2017 के अगर हम डेटा देखें, 2017 का जो है ध्यान से देखते हैं, 2017 में जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे 2017 में, तो एक लोग जो है कि पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं, एक लोग इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि फिर 2013 में इनका जो एज बचा हुआ होगा इसलिए हुआ है। समझ रहे हैं? ये मेरा एनालिसिस है, आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताएं। जबकि 2016 में संख्या ज़्यादा थी, 2016 में आप देखेंगे तो छः कैंडिडेट जो है कि रिटेंट जो है कि पर्सनालिटी टेस्ट में बैठे हुए थे और तीन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आपको बता दूं कि आप जो है कि UPSC की एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे आप जाएंगे वहाँ के, तो आपको उन 2018 से लेकर के आपको 1991 तक की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कितने सिलेक्शन हुए। ऐसा कोई साल नहीं है कि जिसमें इंटरव्यू तक प्रोफेशनल सोसाइटी एग्ज़ाम, नेस्ट ऑफ इंजीनियर्स हो या उससे जुड़ी हुई जितने भी भारत में हैं, सभी जो है कि ग्रेजुएटशिप के जो स्टूडेंट होते थे सभी लोग जो है कि एलिजिबल होते थे। आप पूरी बात समझ पा रहे हैं? बट जो इस सिनेरियो चल रहा है हमारे रिकग्निशन लेकर के, जो कोर्ट केस चल रहा है, इसी वजह से अब बच्चे फाइनल इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर 2013 में एडमिशन लेता है तो उनकी अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो 2017 के बाद देखेंगे, अगर 2016 में जाएंगे तो, क्योंकि 2016 तक लगभग बंदे पास हुए होंगे तो फॉर्म भरे हुए होंगे, इसलिए 2016 से लेकर के उसके पीछे जितने भी दे देंगे उसमें अच्छे खासे कैंडिडेट आपके इंटरव्यू दिए हैं, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जैसे आपको पूरी एनालिसिस दिखा देते हैं, ये 2015 का है जिसमें जो कि छः कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू बैठते हैं, तीन लोग का सिलेक्शन होता है। पूरी डिटेल आप समझते जाइए। आपको ओके, आगे चलते हैं। आपको 2014 में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, जो कि आठ लोग इंटरव्यू देते हैं, दो लोग का सिलेक्शन होता है। हमने 2004 तक का एनालिसिस बनाया है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। कुल मिला के इसमें परसेंटेज वाइज देता है कि कितने बंदे कितना सिलेक्शन पाते हैं। जैसे 2013 का अगर हम देखें कि बंदे तो 14 लोग इंटरव्यू दिए थे, एक लोग का सिलेक्शन हुआ था। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे दो कॉलम बनते हैं, पहला कॉलम रेगुलर डिग्री बनता है, दूसरा अदर इक्विवेलेंट कोर्स का जितने लोग होते हैं उनका कॉलम बनता है। इस तरीके से उन्हें जो है कि किया जाता है। पूरी बात समझ पा रहे हैं? 2012 में जो है कि कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो 17 लोग रिटर्न टेस्ट दिए थे, 5 लोग का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। इस तरीके से 2011 में अगर आप देखेंगे
2011 में देखेंगे तो जो है कि आपको डिटेल मिल जाएगी। थोड़ा रोक रोक के चलेंगे ना, स्क्रीन गड़बड़ करता है। तो 28 लोगों ने जो है कि इंटरव्यू दिए थे, 7 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2011 में। इस तरीके से काफ़ी मतलब एक गर्व गाथा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स प्रोफेशनल सोसाइटी जितने भी कैंडिडेट रहे सभी लोग अच्छा खासा सिलेक्शन पाते थे। मेरी पूरी बात आपको समझा दूँ, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री दिया है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी, इससे जुड़े हुए मैकेनिकल या सिविल जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के यहाँ पे कंबाइंड है। कोई ब्रांच वाइज हम आपको नहीं बता रहे। आगे एनालिसिस के लिए आप एनुअल रिपोर्ट लिंक में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जल्दी से जल्द जो है दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट केस का फाइनल, जिसे जिनकी एज बची हो कम से कम रिटर्न टेस्ट दे करके जो है कि आगे अपना करियर बना सके। कि 2008 में देखें तो 34 लोगों ने जो है कि इंटरव्यू दिए थे, 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि हर साल कैंडिडेट बढ़े हुए पूरे प्रोफेशनल सोसाइटी में, और तो जो है कि फाइनल में जो है कि बच्चे अच्छे कंपटीशन दे पा रहे हैं, और पहले से जो है कि पढ़ाई भी आसान हो गई क्योंकि कोचिंग हो गए हैं पहले ज़्यादा, और तमाम स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से जो है कि काफ़ी चीज़ें, फिर जो है कि 2017 के बाद क्यों ग्राफ गिर गया, आप 2018 में देखेंगे तो एक भी कैंडिडेट ने पर्सनैलिटी टेस्ट दिए हैं जो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाए हैं। अभी आपको पीछे दिखाना, 2008 में जो है कि 37 लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इस तरह के पीछे बहुत है, आप समय ना खराब करते हुए आप फाइनली ले चलते हैं नीचे। 2018 का दिखाते हैं आपको, 2018 में देखिए एक भी कैंडिडेट नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हर साल बच्चों की संख्या बढ़ रही, फिर भी यहाँ पे नल नहीं होगा। ओके, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ रहे होंगे। आपकी क्या राय है, हमने ये अपना एनालिसिस किया था, इस तरीके से बताया है। जो आपको लगे वो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगली बार जब एनुअल रिपोर्ट 2019-20 की आएगी या 20-21 की आएगा तो आपको पूरे एनालिसिस बताएंगे, आपको समझाएंगे, समझ। ओके, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।